चाने में हुए गैंगरेप ने एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसपे सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा है कि सरकार के कार्यकाल में बलात्कार की कई घटनाएं हुई हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने राज्य सरकार को अपने 2 वर्षों के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए पूछा है कि वो बताएं कि अपने कार्यकाल में कितने बलात्कारियों को सजा दिलाई है। सरकार के पिछले 2 वर्षों के टेन्योर के दौरान बेटियां बिल्कुल अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी चानों में जो गैंग रेप हुआ एक नाबालिग के साथ, वो विभत्स गैंग रेप था और नेशनल हाईवे पे ये गैंग रेप होता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पिछले 2 वर्ष में जो रिकॉर्ड संख्या में रेप केसेस हुए हैं उसके बारे में एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि इन रेप केसेस में कितने बलात्कारियों को उसने स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई है। ये फिगर बहुत नगण्य है, इसलिए सरकार इसको जारी करने से भागती दिखेगी। चानो थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अगवा करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चानो पुलिस ने देर रात 3 अपराधियों को तकनीकी सेल की मदद से गिरफ्तार किया है। 3 से पूछताछ की जा रही है। अपहरण में प्रयुक्त कार भी बरामद किया गया है। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि खलारी DSP अनिमेश नैथानी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था। इनमें चानू और मांडर थाना प्रभारियों और तकनीकी सेल को शामिल किया गया था। पुलिस की टीम अलग अलग स्थानों पर जांच कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस ने पेट्रोल पंप और NH पे लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला। फिलहाल 3 से पुलिस पूछताछ कर रही है।